हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एमजी शटरिंग में। तो दोस्तों, मैं इस छत की वीडियो काफ़ी समय के बाद डाल रहा हूं, क्योंकि ये काम अब से कम 2 महीने पहले हो चुका है और इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना के डाल चुका हूं। आई बटन पर आप क्लिक करिए और वीडियो आप वहाँ जा कर आप पूरी देख लीजिए। वीडियो टोटल शुरू से वीडियो आपको कम्प्लीट मिलेगी बिल्कुल ठीक। और उसके बाद में दोस्तों, मैं एक वीडियो आपको इसी काम की पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक शटरिंग कास्ट होने से और शटरिंग खुलने तक की वीडियो आपके पास डाल दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी जो शटरिंग थी, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था शटरिंग यहाँ फाइनल हो गई थी, काम चल रहा था। तो अभी हमारी शटरिंग फाइनल हो गई है टोटल। बारिश की वजह से अभी हम टेप नहीं लगा पाए हैं और यहाँ पर आप लोग देखिए मौसम काफ़ी ख़राब है, बारिश हुई थी, तो इसीलिए टेप हमने नहीं लगाया क्योंकि टेप लगाते तो छूट जाता। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी शटरिंग फाइनल हो गई है, लेवल कंप्लीट हो गया हमारा, देखिए आप। और वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो को देखने की, क्योंकि हमने इस वीडियो को बनाया है तो इसमें लेवल और क्या नाम है, जैसे कि साइड लगाते हैं आप तो साइड इधर उधर भाग जाती है, कुछ साइड है मतलब बीम सीधा नहीं होता, आपने देखा होगा। तो उस चीज़ को लेकर आप को ये इसमें देखें और उसी तरीके से आप काम करें, गाबड़ी गलत ना डालें, गाबड़ी फिक्स काटें मिला के बिल्कुल। तो इसमें सब कुछ आप लोग देखिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इसकी बिल्कुल मत करना। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए लेवल बिल्कुल कंप्लीट हैं, कहीं से ज़रा सा भी कोई मतलब नहीं बैठा हुआ, कहीं उठा हुआ, ये ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम लोग जब लेवल करते हैं ना, हम डोर वाला लेवल नहीं करते हैं दोस्तों। कुछ लोग मांगते हैं डोर वाला, तो डोर वाला देना पड़ता है, बाकी हम अपने आप वैसे ही देख के कर देते हैं लेवल। और लेवल आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि कहीं से कहीं तक कोई बैठा हुआ है, कहीं उठा हुआ नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पर सरिया हमारी बंद रही है दोस्तों, शटरिंग यहाँ पर शटरिंग हमारी कंप्लीट है, टेप सब कंप्लीट है बिल्कुल, और इन्होंने मोल्डिंग भी बना दी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्हें कुछ लग रहा है कि यहाँ पर प्लाई बैठ रही है, प्लाई तो भाई बैठेगी बैठेगी, हल्की फुल्की आप पैर से दबाओगे तो वो लोहे की कोई लोहे की टीम थोड़ी है बना हुई, जो मतलब बैठेगी नहीं, वहाँ पर लोहे की शटरिंग थोड़ी है, प्लाई तो बैठेगी आपको पता है। तो यहाँ पर कुछ जगह कुछ लोगों को समझाना कुछ थोड़ा कर रहा है, लेकिन खैर कोई दिक्कत नहीं उससे दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये सब 1.5 फुट की लटक है जितनी भी है, सब टोटल 1.5 फुट की लटक है यहाँ पर। काम सही होने के बावजूद भी दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मालिक को भड़काते हैं कि भाई आपका काम थोड़ा ठीक नहीं हुआ है, कि ऐसा वैसा है। और ये कौन करेगा, ये वही करेगा जो जैसे कि मतलब आप, मैं शटरिंग का, मेरा काम शटरिंग का है, आपका काम शटरिंग का है, या दूसरे का काम शटरिंग का है, वो दूसरे शहर पर पहुँच गए तो भाई अपना काम सही बताने के लिए दूसरे के काम में कमी निकालना पड़ेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी किसी के काम में, दूसरी जगह आपके सामने अगर काम हो रहा है तो आप उसके काम में कमी बिल्कुल ही नहीं निकालो, इससे कोई भी फायदा नहीं है। क्योंकि भाई वो भी अपने काम कर रहा है और आप भी अपना काम कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। और मैं इसकी दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो इसकी बनाकर अलग डालूंगा, शटरिंग खुलने की पूरी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा उसमें शटरिंग में कि छत कैसी निकली है, और आप मुझे कमेंट में बताना उसमें कि छत कैसी निकली है, क्योंकि आप लोग बताओगे मुझे, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। तो ये हमारा छज्जा है सामने, 3.5 फुट का छज्जा है पूरा, ये कंटिलीवर देखिए आप, सीधे नहीं तिरछे हैं क्योंकि पूरी जगह में कान है, बदगुनिया पूरी जगह बदगुनिया है समझ लो। तो ये कंटिलीवर हमारे साइड से एक उधर को है और एक साइड में को भाग होगा।
ये देखिए दोस्तों, टेपर में दोनों कंटिलीवर कटे हुए हैं। अगर आप सीधा कंटिलीवर लगाएं तो उस चीज़ को सही से कंटिलीवर को लगाएं। तो यहाँ पर दोस्तों सरिया कंप्लीट हो गई है, पाइप पड़ रहे हैं, जाल उठ रहा है यहाँ पर। हाँ सर भाई, और हमारा नीचे का काम। और दोस्तों जब कास्टिंग से पहले आप अपना काम सारा रेडी करना, कास्टिंग से पहले अपना काम बल्ली टाइट करना, जैसे कि होता है सरिया जब बनती है तो बल्ली सरिया जब वाले सरिया वाले जब सरिया बांधते हैं तो इधर उधर चलने से बल्ली हट जाती है, इधर उधर ढीली हो जाती है कुछ, तो बल्लियों को उनको टाइट कर लेना सब एक तरफ से लिंटर पड़ने से पहले ही पहले, जैसे कि आपको लिंटर वाले दिन कोई दिक्कत ना आए। उन सब चीज़ों को ध्यान दें बिल्कुल आप, और बल्लियों को टाइट करने के बाद में लिंटर पड़वाएं। तो दोस्तों आज हमारा लिंटर पड़ रहा है, और दोस्तों मैं एक बात आपको और बता दूं, जब ये लिंटर पड़ रहा था तो दो बार आधा आधा घंटा बारिश हुई थी, और कोई हल्की फुल्की बारिश नहीं हुई थी, काफ़ी बारिश हुई थी, पानी काफ़ी गिरा था, लेकिन छत कहीं से कहीं तक नहीं बैठी, क्योंकि हम लोगों ने हर जगह हर बल्ली पर प्लाई लगा हुई थी। अगर प्लाई नहीं लगाते तो चांस थे बैठने के पूरे पूरे। और सबसे ज़्यादा डर था लटक बीम का, जो आसार पे हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आसार पे नहीं है उनकी दिक्कत है। जीना भर रहे हो सभी भाई, जीना भर रहे हो यहाँ पर दोस्तों, ये जीना भर रहे हैं पूरा आरसीसी का। हाँ वसीम भाई, वसीम भाई काम सही हुआ है, हैं यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आरसीसी का पूरा जीना इन्होंने कास्ट कर दिया है, ये यहाँ से लिंटर पूरा कास्ट हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जय हिंद।